हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से नए व्लॉग में। गाइस, टाइम अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट व्लॉग बनाने, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक नई टेक्निक जिसके बारे में शायद ही आप सब जानते होंगे, शायद किन्हीं लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। बट जो हमारे पास है ऐसी मतलब मशीन है कुछ है, जो मेरे पापा ने खुद ये डिज़ाइन की है, तो अगर आपको भी वो मशीन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए भी स्पेशल पापा से ये मशीन बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज, मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। अभी मैं हम जा रहे हैं, मेरा छोटा भाई और मनीष भारद्वाज जो है मासी का लड़का, वो हम तीनों लोग जा रहे हैं। अभी हम खा रहे हैं आड़ू, इसको हम देसी भाषा में आड़ू बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मनीष भारद्वाज बैठा है और वहाँ पर पेड़ पर जो लड़का है ये मेरा भाई है छोटा। तो हम तीनों अभी आड़ू खा रहे हैं और मेन रोड पर हैं। एक्चुअली ये जो मशीन है, हम जो मेरे दो घर हैं, एक ऊपर घर है मेरा, एक नीचे है। तकरीबन फासला जो है मतलब 1 किलोमीटर का है, और हम ऊपरा घर से नीचे घर जा रहे हैं। अभी जो मतलब मक्की हमने लगाई है उनको, मतलब एक हम देसी भाषा में बोल तो मक्की को हलने जा रहे हैं, हलना बोल सकते हैं हम, या फिर गुरूड़ देने जा रहे हैं, ऐसे देसी भाषा में हम बोलते हैं। तो चलो मैं उस मशीन के बारे में दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, कि मशीन हमारे पास कौन सी मशीन है वो। सो पीछे गाइस, खाना हमने पैक कर लिया अपने लिए, क्योंकि हमें दोपहर को हमने खाना भी खाना, तो खाना पैक कर लिया है। और ये वो मशीन है, ये मेरे पापा ने खुद अपने हाथ से डिज़ाइन की है इस मशीन का। इस मशीन का आपको मैं ऑपरेशन बताऊंगा कैसे कैसे। गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखती है ये वाली मशीन जो है, ये इसको साइकिल बोल सकते हैं आप, साइकिलिंग। ये मतलब मक्की हलने के ये स्पेशली यूज़ की जाती है। वैसे तो आप इससे मतलब मक्की को बो भी सकते हैं, बट बीज बोने के लिए, बट हम उससे ट्रैक्टरों से यूज़ करते हैं। बट ये जो मशीन है सिर्फ स्पेशल मक्की को हलने के प्रयोग में लाई जाती है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो है रस्सी हमने लगा रखी है, ये रस्सी है एक्स्ट्रा मतलब जोर लगाने के लिए, जो आगे से कोई आदमी खड़ा हो जाए तो इस रस्सी को वो आगे से खींच सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे वो रस्सी को खींच सकता है, और जैसे ये साइकिल का टायर चलेगा तो ये मतलब साइकिल का टायर घूमेगा, और साथ साथ में पीछे इसके हल लगा रखी है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर हल लगी है ये पीछे, और साथ साथ में ये मतलब यहाँ पर हैंडल लगे हैं दो हैंडल, और पीछे से ये कोई मतलब जैसे पकड़ेंगे और आगे से खींचेंगे तो हैंडल के साथ है, तो ये मतलब ऐसे मतलब आगे जाएगी और आगे मतलब ये पूरी खेत को मतलब बो देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इस मशीन का ऑपरेशन। इस तरह से मशीन है, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास है। ये मशीन को हम यहाँ से आगे निकलते हैं और टायर का जो इसका साइकिल का टायर है ये मतलब घूमता है। तो अभी मैं इसका ऑपरेशन दिखाता हूँ, अभी जैसे मशीन में रात में है तो हम ऐसे घुमाएंगे और साथ साथ में देख। तो इस तरह से ये मतलब अभी पूरी बो गई है, इस तरह से मतलब ये मशीन में ऑपरेशन करती है। सो ये कुछ इस तरह की मशीन है। अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेशन जो सड़क पर किया है, मतलब सड़क पर अभी तो हम घर से नीचे घर जो वहाँ पर ले जा रहे हैं इस मशीन को, बट हम आपको आगे भी दिखाएंगे जहाँ पर हमने खेत जोतना है वहाँ पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम खेतों में काम करते हैं। चलो मिलते हैं फिर वहाँ पर खेतों में। सो गाइस, कुछ इस तरह से है ये मशीन, इस मशीन का वर्किंग, और आप देख पा रहे हैं ये मतलब खेतों में इस तरह से इसका काम प्रयोग में लिया जाता है इस मशीन को। तो ये जो मशीन है मतलब इसको हम मतलब देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं देसी भाषा को कुड़ी हालने वाली, जो कट्ठू होता है कट्ठू, उस नाम से पुकारते हैं। बट आपको पता नहीं क्यों क्या नाम बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। बट ये जो मशीन है इस तरह से काम करती है, और जो हमने अभी तक जो ऊपर से लेकर खेत जो नीचे तक खेत सारे दिख रहे हैं, वो सारे खेत हमने इससे जोतने हैं, इसी से हमने सारा काम करना है। इसको हम ऐसे करते जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ये दूर दूर हमने लगाई, तो जैसे ये जो डाली जो गिर पड़ी है, इस डाली को ऐसे मिट्टी लगा के मतलब इसको धोते हैं, गुरूड़ देना, ये गुरूड़ देना, और जो निकल गई है ये गाड़ी जो मतलब ये जो डाली है मतलब ये जो, इसको हमें ऐसे उठा के फेंक देना है। तो इस तरह से कुछ बो जाता है। चलो थोड़ी देर और बोते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, कुछ इस तरह थे ये मशीन, मतलब ये मैं मशीन अब काम कर लेता हूँ सारा खेत का, मतलब सारा खेत का काम ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फिर आपको बता दूँ मैं, ये जो मशीन है ये आप ध्यान से देख लो, किसी को भी अगर ये मशीन चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करना।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे पापा खुद डिज़ाइन करते हैं, ये खुद बनाते हैं अपने हाथों से, वेल्डिंग का काम करते हैं मेरे पापा, और ये मशीन खुद बनाते हैं। तो मैं आपको ज़रूर ये मशीन बनाने की सजेशन करूँगा। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं डेली जो ब्लॉग बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।